लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी, बहुत तेज। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने कारण नहीं बताया था, उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है, जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस क्षण की निश्चिंता ने उनको झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से मनुहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें ला कर दें, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार हो। आखिर में ड्रॉ निकाला गया। लाहौर कॉन्स्पिरसी केस। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह उनके साथ फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैर ख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए किया करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह की जेल की जिंदगी काफी कठिन थी। किताबें पढ़ने का शौक हो चला था उन्हें कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेक्ट की मिलिटरिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और ऑप्टन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवाएं। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद, उन्होंने मुस्कुराकर मेहता को स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वे उसे उसी समय पढ़ने लगे मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म करने नहीं देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना जरूर लाएं, लेकिन बेबे भगत सिंह की इच्छा पूरी नहीं कर सके क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया और बेबे जेल के गेट के अंदर ही नहीं घुस पाए। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम, या अपनी ही जमीन होगी या अपना आसमान होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया, सबके वजन बढ़ गए थे। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें, फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहेगुरु को याद करो। फांसी का तख्ता भगत सिंह लिए बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया, असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफी मांग लूं तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं, इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांग रहा है।
जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाया, कैदियों ने दूर से आती कुछ पद चांपे सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का भी दबा स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। सभी को अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई थी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सियां खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल एन एस सोंधी ने उन्हें मृत घोषित किया। एक जेल अधिकारी पर फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करें तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। एक जूनियर अफसर ने यह काम अंजाम दिया। पहले योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर यह विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक समान की तरह लाद दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी उनमें आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रितानी सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट की दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाया गया, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो ये थे भगत सिंह की जिंदगी के वो 12 आखिरी घंटे। आशा करते हैं इस वीडियो में सुनाई गई ये कहानी आज युवा पीढ़ी के दिलों में मर चुके देशभक्ति को जगाने में कामयाब होंगे। जितना हो सके इस संदेश को पूरे देश में पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और हो सके तो इस पेज को फॉलो करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।